अस्सलाम वालेकुम। जो आपने मुझे क्वेश्चन भेजे थे आज हम इंटीग्रेशन के वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये एक्स माइनस 2 बन जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगी डीएक्स। अब x माइनस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x क्यूब और माइनस 1 के साथ। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, जब दो सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उसका जो ऊपर पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हम लोग माइनस लगाएंगे dx। x माइनस 2 dx हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग इसकी इंटीग्रेशन अलग-अलग कर लेंगे, x के अलग इंटीग्रेशन और x माइनस 2 के अलग। अब इंटीग्रेशन में क्या था कि जो पावर्स होती हैं वो ऐड होती हैं, एक्स के ऊपर पावर 1 थी तो वो ऐड होकर 2 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, और दूसरे नंबर पे दूसरी थी एक्स माइनस 2, माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1, और साथ प्लस सी कांस्टेंट लगाना है। एक्स 2 ओवर 2 माइनस एक्स माइनस 1 ओवर माइनस 1 प्लस सी, माइनस माइनस प्लस एक्स ये माइनस पावर में है तो इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिव पावर नेगेटिव में है, जब इसको नीचे लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव में आ जाएगी प्लस सी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में उन लोगों ने हमें कहा इंटीग्रेशन करनी है हम लोगों ने, और ये हमारे पास दी गई है वैल्यू एक्स माइनस 4/2। सबसे पहले हम लोगों ने इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, 2x माइनस 3x माइनस 1/2 माइनस एक्स माइनस 4/2 dx। अब हम लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेनी है, 2x dx माइनस 3x माइनस 1/2 dx माइनस x माइनस 4/2 dx। x की इंटीग्रेशन होती है x स्क्वायर ओवर 2 और ये 3x माइनस 1/2 प्लस 1 ओवर माइनस 1/2 प्लस 1, पावर में पॉजिटिव 1 ऐड करना है। एक्स माइनस 4/2 प्लस 1 ओवर माइनस 4/2 प्लस 1 साथ कांस्टेंट प्लस सी, 2 के साथ 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। यहाँ पे क्या, माइनस 1/2 प्लस 1, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 माइनस 1 प्लस 2 और ये 1/2 बन जाएगा, 1 ओवर 2, यहाँ भी 1 ओवर 2 माइनस। अब इसका जब एलसीएम लेंगे माइनस 4/2 प्लस 1 ने, ये 2 माइनस 4 ऐसे देगा प्लस 2 और ये जाएगा माइनस 2/2,
माइनस टू बाय टू, यहाँ भी माइनस टू बाय टू प्लस सी, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टू सिक्स, एक्स वन बाय टू और यहाँ पे माइन टू टू से कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस प्लस वन, एक्स माइनस वन प्लस सी। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें क्या कहा गया है? हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, सबसे पहले इसको हम लोगों ने सिंपलीफाई करना है, उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करनी है। सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला इसको ओपन करेंगे, वन स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस है तो ये माइनस वन और अंडर रूट एक्स। वन प्लस एक्स माइनस टू अंडर रूट एक्स। अब हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर एक्स अंडर रूट एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर एक्स वन बाय टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स टू प्लस वन बाय टू, एलसीएम लेंगे इसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स फोर प्लस वन फाइव बाय टू। हमारे पास ये आ गया सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन। अब हम लोगों ने इसकी लेनी है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स फाइव बाय टू डी एक्स, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स क्यूब डी एक्स माइनस टू, कॉन्स्टेंट हमें कॉन्स्टेंट जो होता है वो हमेशा हम लोग बाहर लिखते हैं, एक्स फाइव बाय टू डी एक्स। एक्स स्क्वायर की क्या होगी, एक्स थ्री बाय थ्री प्लस एक्स क्यूब की एक्स फोर ओवर फोर माइनस टू, एक्स फाइव बाय टू प्लस वन ओवर फाइव बाय टू प्लस वन और प्लस कॉन्स्टेंट, एक्स क्यूब ओवर थ्री प्लस एक्स फोर ओवर फोर माइनस, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, फाइव बाय टू प्लस वन टू, फाइव प्लस टू सेवन बाय टू, टू एक्स सेवन बाय टू और ये सेवन बाय टू, साथ कॉन्स्टेंट सी, एक्स फोर ओवर फोर माइनस टू टू फोर एक्स सेवन बाय टू ओवर सेवन प्लस सी। क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं।
अब मैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक्स क्यूब एक्स 4 प्लस 1 1 ओवर 3। ये हम लोगों ने जो करना है ना, ये हम लोगों ने करना है सब्सटीट्यूशन मेथड के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को उसने कह दिया है लेट यू इज इक्वल टू एक्स 4 प्लस 1। अब यहाँ पे उसने हमें एक चीज दे दी है, यहाँ पे अगर हम लोग यू लिखेंगे तो जाहिर बात है इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो इसकी डेरिवेशन लेंगे, ये डी यू बन जाएगा और इसकी भी हम लोग डेरिवेशन लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x क्यूब, यहाँ पे 4 है ऊपर तो 4 आएगा प्लस 0 और साथ डी एक्स, डी यू इज इक्वल टू 4x क्यूब dx। अगर हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमारे पास एक्स क्यूब तो है लेकिन 4 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4। क्वेश्चन को हम लोगों ने करना है तो 4/4, तो हमारे पास क्या जाएगा 4/4 एक्स क्यूब एक्स 4 प्लस 1 1/3 और डी एक्स। अब इसको हम लोगों ने अरेंज करना है तो ये 1/4 बाहर होगा, 4x³ x² प्लस 1 1/3 डी एक्स, 1/4 x² प्लस 1 1/3 4x³ dx। अब जो हमारे पास ये है और ये है, ये हमारे पास ये चीज बन गई है। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपनी वैल्यूज पुट करनी है, वो क्या जाएंगी 1/4 u 1/3 और du। अब ये हमारे पास हो गया सिंपलीफाई, हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों ने इसकी करनी है इंटीग्रेशन, 1/4 एज इट इज इंटीग्रेशन करके प्लस 1 ऐड करना है और डिवाइड में भी प्लस 1 ऐड करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4/3, एलसीएम लेके नीचे भी 4/3, तो ये जगह 3/16 यू 4/3। अब यू की जगह जो हम लोगों ने इसको लेट किया था वो वाली वैल्यू हम लोगों ने वापस लौटा देनी है, जो कि हमारे पास थी एक्स 4/1/3 और ये है 4/3, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, तो थोड़ा सा उसकी निस्बत कॉम्प्लिकेटेड है, x² प्लस 2v/2। यहाँ पे क्या है लेट करना है, लेट उन्होंने हमें जो दिया गया है लेट x² प्लस 2 इज इक्वल टू यू, यहाँ पे तो हमारे पास ये आ गया। लेकिन एक बात हम लोगों ने हमेशा याद रखनी है, जब जिस चीज को हम लोगों ने लेट करना है ना, जो उसके साथ होगी, जैसे यहाँ पे x² है यहाँ पे x³ है, हमेशा यहाँ इसकी निस्बत यहाँ वैल्यू कम होनी चाहिए, जैसे पिछले में था x⁴ और इससे एक कम था x³। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है x² है और इधर क्या है x³ है, मतलब बड़ा है, तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, जो कि डेरिवेशन हम लोगों ने इसका लेनी है ये 2x प्लस 0 ये बन जाएगा और du 2x इज इक्वल टू x dx इज इक्वल टू du। बट
यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब है, लेकिन इधर हमारे पास 2x आया है, तो हम लोगों ने इसको दो फॉर्म्स में करना है। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, ये एक्स एक्स कर लेंगे, एक एक्स स्क्वायर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 3/2 और dx। अब यहाँ पे 2x है तो हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, टू के साथ अंदर को हम लोग 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये 3/2 dx। अब क्या 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 3/2 और हो जाएगा 2x dx। अब हम देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू यू है, मतलब हम लोग यहाँ पे u पुट कर सकते हैं, और 2x dx इज इक्वल टू du है, यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं du, लेकिन जब हम लोग u के साथ चल रहे हैं तो यहाँ भी u होना जरूरी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन 1 कह देंगे, इसको उठाएंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इक्वल टू u, यहाँ पे हम लोगों ने एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू u माइनस 2। अब ये वाली जो हमारे पास वैल्यू आई है वो हम लोगों ने यहाँ पुट करनी है, पुट करके देखते हैं हम लोग 1/2 एक्स स्क्वेयर की जगह यू माइनस 2 और एक्स स्क्वेयर प्लस 2 यहाँ पे था यू और डी यू, हमारे पास ये आ गया सिंपलीफाई करके। अब हम लोगों ने आगे चलना है इसके इंटीग्रेशन पे, क्या था हमारे पास यू 3/2 यू माइनस 2 और डी यू। अब हमारे पास ये हो गया सिंप्लीफाई, सिंपल शक्ल में आ गया है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है, यू 3/2 और ये यू है माइनस 2 यू 3/2 और डी यू 1/2 यू 3/2 प्लस 1 डी यू माइनस 1/2 ये वाला, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया साथ ही, और यू 3/2 डी यू 1/2। अब पहले तो हम लोगों ने इसको इसका एलसीएम लेके इसको करना, तो वो बन जाएगा हमारे पास 5/2 डी यू माइनस 2 से 2 कैंसल 1 हो जाएगा, यू 3/2 डी यू। अब हम लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगी 5/2 प्लस 1 ओवर 5/2 प्लस 1 माइनस यू 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1। अब 7/2 और ये भी 7/2 माइनस यू 5/2 5/2, दो सात 14 1/7 यू 7/2 माइनस 2/5 यू 5/2। अब हम लोगों ने जो यू की वैल्यू ली थी एक्स स्क्वायर प्लस 2 वो हम लोगों ने वापस इसमें रख देनी है, वन ओवर 7 यू 7/2 माइनस 2/5 यू 5/2, क्या था u इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2
सेवन बाय टू माइनस टू बाय फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू फाइव बाय टू। ये हमारे पास से क्वेश्चन जो आपने मुझे दिए थे करने को, तो ये हो गया। इंशाल्लाह बाकी हम लोग नेक्स्ट अपनी क्लास में करेंगे। अल्लाह सबके लिए। अल्लाह हाफिज।